लोकसभा चुनाव के दो चरणों का मतदान पूरा हो चुका है, लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर राजनीतिक दलों में असंतोष का माहौल है। फिलहाल ये असंतोष कांग्रेस पार्टी से सामने आया है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरिफ नसीम खान ने टिकट न मिलने से नाराज होकर पार्टी की तीन अलग अलग समितियों से इस्तीफा दे दिया है और चुनाव प्रचार से भी खुद को अलग कर लिया है। इस बीच अब महाराष्ट्र AIMIM के अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने मामले पर टिप्पणी करते हुए उन्हें AIMIM की तरफ से टिकट ऑफर कर दिया है। उन्होंने नसीम खान के पत्र की तस्वीर साझा करते हुए एक्स हैंडल पर लिखा, सिर्फ स्टार प्रचारक के पद से इस्तीफा क्यों? आदर्श रूप से आपको उस पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए जो केवल मुस्लिम वोट चाहती है लेकिन उनका नेतृत्व नहीं। लेकिन फिर भी नसीम भाई, आप AIMIM के टिकट पर चुनाव क्यों नहीं लड़ते जो हम आपको मुंबई में देने के लिए तैयार हैं? ये एक अच्छा सौदा है, थोड़ा साहस दिखाओ और अवसर का लाभ उठाओ। वहीं नसीम खान ने खुद इस पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेतृत्व के इस फैसले से जनता में कितना रोष है। आज महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक समाज के सभी संगठन, समाज के लोगों में बहुत जोरदार प्रतिक्रिया हुई है, क्योंकि 48 लोकसभा सीट में एक भी अल्पसंख्यक समाज को यहां पर उम्मीदवारी नहीं दे जाने से लोगों में बहुत नाराजगी है, रोष है। और मैं भी नाराज हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी की बहुत पुरानी विचारधारा है, एक परंपरा रही है कि सभी समाज और सभी लोगों को साथ में लेकर चलने की, सभी को प्रतिनिधित्व देने की, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, OBC हो, महाराष्ट्र में मराठा समाज हो, SC हो, ST हो, सभी समाज को प्रतिनिधित्व देने की हमेशा से परंपरा रही है। लेकिन इस बार 48 में से महाविकास आघाड़ी 48 लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र में लड़ रही है, कांग्रेस 17 सीट पे चुनाव लड़ रही है, एक पे भी उम्मीदवार अल्पसंख्यक समाज का नहीं दिए जाने से लोगों में बहुत रोष है। कल से बहुत सारे महाराष्ट्र के मुस्लिम संगठन के पदाधिकारी मुझसे मिले हैं, कांग्रेस के सभी लीडर्स और पदाधिकारी आकर मिले हैं। लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो 48 में एक भी जगह पे लोकसभा की उम्मीदवारी नहीं दी गई है। महाराष्ट्र प्रोग्रामी स्टेट हमेशा से रहा है, यहां से अब्दुल रहमान अंतुले साहब सांसद चुन के जाते थे, डॉक्टर रफीक जकरिया जाते थे, और महाराष्ट्र में पिछली बार हिदायत पटेल को अकोला से चुनाव हम लोगों ने लड़ाया था। तो महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं एक सिंबोलिक कि महाराष्ट्र की अल्पसंख्यक समाज की आवाज देश की लोकसभा में गूंजे, वो एक अपेक्षा लोगों में थी। तो इस बार ये नहीं होने के कारण लोगों में नाराजगी है, और इसीलिए मैंने, क्योंकि मैं किस तरह से, मेरे पास आज शब्द नहीं है, जवाब नहीं है, मैं समाज के लोगों के बीच जब जाऊंगा कि कंपेन करने के लिए, तो मैं किस तरह से लोगों को कहूं और लोग सवाल करेंगे कि आपकी पार्टी ने क्यों उम्मीदवारी नहीं दी है, तो मेरे पास जवाब नहीं है। तो मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं फेज 3 और 4-5 में मैं कंपेन नहीं करूंगा। फर्स्ट और सेकंड में मैंने कंपेन किया है और आगे में जो भी सेंटिमेंट है, जो भी भावना है, वो मैं कांग्रेस आला कमान को मैंने पहुंचा दी। एक समाज जो कांग्रेस का मजबूती से साथी रहा है और है, उस समाज को पूरी तरह से इग्नोर करना, एक तरह से ये कहीं ना कहीं खटक रहा है लोगों को, और इस बात को लेकर नाराजगी है। जब मैं नाराज हूं तो समाज की तो बात ही अलग है, समाज में कितनी बड़ी प्रतिक्रिया हुई होगी, तो जिसकी वजह से मुझे भी ये स्टैंड लेना पड़ा है। तो ये परिस्थिति है।